मूवी की शुरुआत ब्रेन नाम की क्यूट सी दिखने वाली लड़की से होती है जो कि जंगल टाइप एरिया में एक घर में अकेली रहती है। ब्रेन तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलती है और गाड़ी की मदद से अपनी माँ की कब्र के पास जाती है। वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद वो लोगों से छुपते छुपाते अपने घर वापस आ जाती है और आके टाइम पास करती है। इतने में रात हो जाती है और ब्रेन अपने बेड पे आराम से सो रही होती है कि तभी बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वोट के नीचे जाके देखती है कि क्या हो रहा है। तभी दरवाजा किसी हॉरर मूवी की तरह अपने आप खुलने लगता है और साइड में किसी क्रिएचर की अजीब सी क्रीपी आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर किसी की भी गांड तो फट जाए या एटलीस्ट गूस बम्स तो आएंगे। ब्रेन वो आवाज सुनके और उस क्रिएचर को दौड़ते देख अपने कमरे में जाके बेड के पीछे छिप जाती है और तब हमें वो क्रिएचर या एलियन जो भी है पहली बार दिखता है। अब आगे क्या ब्रेन उस क्रिएचर से बच पाएगी या नहीं, या फिर वो क्रिएचर ब्रेन से बच पाएगा या नहीं, वो जानने के लिए मूवी देखो। अब ये जो मैंने स्टोरी बताई है वो मूवी का सिर्फ पहले के 25 मिनट का पार्ट है। इसके आगे का जो फिल्म का पार्ट है वो इतना ज्यादा वाइल्ड हो जाता है कि लिटरली तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा। तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि स्टोरी आगे किस तरफ बढ़ेगी। मतलब ये स्टोरी सुनकर तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक सर्वाइवल टाइप की कोई मूवी होगी जिसमें एक एलियन किसी लड़की के अंदर घुस गया है, मतलब उसके घर के अंदर घुस गया है और उस लड़की को उस क्रिएचर से बचना है। पर ऐसा नहीं है, ब्रेन असल में उस क्रिएचर से बच तो रही होती है, साथ ही साथ उसकी बजा भी रही होती है। और जब वो तुम सीन देखोगे ना उसकी बजाते हुए, तो भाई तुम्हारी हंसी छूट जाएगी, मजाक नहीं कर रहा। ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो ये मेरे को पर्सनली इस साल की वन ऑफ दी बेस्ट अंडररेटेड मूवीज में से एक लगी, जिसमें साइंस फिक्शन के नाम पे तुमको अच्छा वाला हॉरर दिखाया जाता है जिसे देख के सच में डर लगेगा। इसमें मेनली तो वो क्रिएचर की क्रीपी आवाज और वो सिनिस्टर वाला म्यूजिक बसता है जब एलियन इन्वेड कर रहे होते हैं, वो चीज तुमको सबसे ज्यादा चिल्स देगी। अगर कोई खराब चीज बतानी हो तो पिक्चर की जो पेसिंग है वो थोड़ी स्लो लग सकती है। मतलब ब्रेन का जब पास्ट हमें दिखाया जाता है कि वो क्यों ऐसी है जैसी वो है, तब तुम्हें शायद बोर हो सकते हो। और हाँ, एक और चीज, मूवी का जो एंड है वो तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल छोड़ के जाएगा जिसके जवाब तुम्हें इसमें नहीं दिए जाएंगे। वो तुम्हारी बेसिकली इमेजिनेशन पे छोड़ दिया जाता है कि तुम उस एंडिंग के बारे में क्या सोच रहे हो। सो अगर तुम इसे लॉजिक के पर्सपेक्टिव उसे देखोगे तो तुम्हें ज्यादा मजा नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पिक्चर फुल्ली रिकमेंडेड है। अगर तुम्हें कोई माइंड फक हॉरर साइंस फिक्शन टाइप की मूवी देखनी है, देन 2023 की नो वन विल सेव यू बेस्ट ऑप्शन है चेकआउट करने के लिए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम इसे इंग्लिश में आराम से देख सकते हो, क्योंकि इसमें पूरी पिक्चर के अंदर सिर्फ 2 या 3 डायलॉग है, बाकी का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से साइलेंट है। सिर्फ म्यूजिक के दम पे तुमको एंटरटेन किया जाता है और अच्छे से किया जाता है। से याद आया, अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो एंटरटेनिंग लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आगे का कंटेंट मेरा देखना हो तो सब्सक्राइब करके जा सकते हो। मेरा गोल है इस साल की एंड में मेरे को 2000 सब्सक्राइबर करने हैं और 3000 वॉच टाइम आवर भी कंप्लीट कर लेने हैं। मेरे को पता है तुम करवा दोगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।